सभी को मिले गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसलिए पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, यही तो है मोदी की गारंटी। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर एक समिति का गठन किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर साल 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण और सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पीएम सूरज के तहत पात्र व्यक्तियों को सरल ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए 390 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को बढ़ाकर 740 किया जाएगा। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपए का निवेश करके पिछड़ी जनजाति समूह यानी पीवीटीजी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समग्र आबादी के स्तर पर लाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और आजीविका के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए किफायती एवं स्वदेशी उपकरणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे विकास, इसलिए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है मोदी सरकार। क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही तो है मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को किया संबोधित। ओबीसी आरक्षण को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। बिहार के अररिया जिले के फार बिसगंज में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनावी जनसभा संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। आहां सबके प्रणाम करे जी। अररिया फणीश्वर नाथु रेण जी की भूमि है, और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है। आज भी अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं, और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार
फिर एक बार भाइयों और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर्स से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू-तू मैं-मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है, और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों